हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, सीजन वन का 8th एपिसोड मैंने अभी देखा, द व्हील ऑफ टाइम का। और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हाउ हैज दिस सीजन शेप्ड अप, क्योंकि अभी इसका लास्ट एपिसोड आ गया है, तो किस तरीके से शेप अप होता है। क्योंकि सारी जद्दोजहद मोरेन की और जितने भी एसेट आए थे उनकी यही थी कि जो डार्क वन है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और ये सारे लोग मिल के उसको ख़त्म कर पाएँ इससे पहले कि वो सुपर पावरफुल हो जाए। तो जो ड्रैगन है उसको यूज़ करके उसको बेसिकली वाइट लाइट की तरफ मोड़ा जाए। तो वाइट लाइट और डार्क वन बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है। डार्क वन मतलब जो डार्क एनर्जी होता है, नेगेटिव होता है, और वाइट मतलब आप प्योरिटी और सही रास्ता चुनते हैं। अगर आप ड्रैगन हैं और सही रास्ता चुनते हैं तो आप पूरे जगत का भला करेंगे, छोटू से फिलोसफिकली स्पीकिंग। और अगर आप डार्क वन की साइड चले जाते हैं तो आप वैसे भी बहुत पावरफुल हैं, और अगर आप ऐसा ड्रैगन बन जाते हो जो कि रीबॉर्न है और नेगेटिव शेड में चले जाते हो तो दुनिया की तबाही है। इसी वजह से एसिडाई जो होती है और स्पेसिफिकली मोरेन कोशिश ये करती है कि जो ड्रैगन रीबॉर्न है उसके बारे में कुछ पता चले और वो जल्द से जल्द द डार्क वन को ख़त्म कर पाएँ बिफोर इट बिकम्स टू पावरफुल। तो चार लोगों की कहानी होती है रिवर साइड पे, उनको देखा जाता है, चाहे वो इग्विन हो, चाहे मैट हो, पेरिन हो, रैंड हो, ननाइव हो। और मैं होप करता हूँ कि आपने ये सारे एपिसोड अभी तक देख लिए होंगे साथ के साथ और आप आठवां देखने वाले होंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो भैया छोटे मोटा मैं स्पॉइलर पिछले एपिसोड में से दे रहा हूँ। रैंड का समझ में आ जाता है कि वो बेसिकली द ड्रैगन रीबॉर्न है और मोरेन सबको खतरे में नहीं डालना चाहती है, तो वो ब्लाइट के अंदर जिसको क्रॉस करने के बाद आप पहुँचेंगे इवेंचुअली द डार्क वन के पास, वहाँ पहुँच जाती है। और वहाँ क्या कुछ होता है आप ये एक्सप्लोर करते हैं। जो वहाँ होता है वो आपने बहुत सी मूवीज और सीरीज़ के अंदर देखा होगा, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ चूजिंग द राइट पाथ। ये बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा। मैंने डीसी की मूवीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा देखा है कि एक इंटरनल ऑरा बन जाता है, एक इमेजिनेशन बन जाती है जहाँ पर यू हैव टू चूज़ द राइट पाथ। तो ये राइट पाथ रैंड ले पाता है नहीं ले पाता है, क्या वो लाइट को चूज़ करता है कि डार्क वन को चूज़ करता है, जो ओरिजिनल एपिसोड वन से मुद्दा हमारे सामने रखा गया है, यही आपको एक्सप्लोर करना होता है। और जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है, VFX बहुत कमाल के हैं, और एट द एंड ऑफ इट वी ऑल्सो रियलाइज कि सबको इसके अंदर रोल प्ले करना है। वन ऑफ द क्वेश्चन दैट पीपल वर आस्किंग वाज दैट रैंड और मोरेन ही कुछ करेंगे या रैंड ही सिर्फ आगे चला जाएगा या इन सबका पांचों का रोल होगा, इग्विन का, मैट का, पेरेन का, ननाइव का रोल होगा, कि कैसे कैसे चलने वाला है ये आगे। तो एंड का जो सीन आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कहता है क्या कहता है वो आप खुद देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके अंदर ये क्लियर हो जाता है कि इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड मे बी इट इज़ जस्ट द फर्स्ट फाइट, और कौन जीतता है ये आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। बट ऐसी बहुत सारी फाइट्स और आने वाली हैं इसके अंदर, तो इट इज़ जस्ट द बिगनिंग और ये रीअसेंबली ऑफ ऑल द पीपल टुगेदर, और वो क्या वन फोर्स बनते हैं और फिर आगे जाते हैं, ये सब देखने वाली बात होती है। यहाँ पर कुछ कुछ पावर्स जो हैं जो इन बच्चों की, पांचों की है, ये कुछ कुछ तो बाहर निकल के आ रही हैं, कुछ स्पेशल पावर्स आप और भी इन लोगों की एक्सप्लोर करोगे इसके अंदर। मैजिकल है, मिस्टिकल है, फैंटेसी से भरा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ओवर द टॉप होंगी क्योंकि जो फैंटेसी होती है वो किसी भी जोन के अंदर जा सकती है, लेकिन फिर भी मज़ेदार है। हाउ इट हैज़ शेप्ड अप इज़ गुड। जो लास्ट का सीक्वेंस है स्पेसिफिकली रैंड और द डार्क वन का, वो मैं चाहता था कि थोड़ा और ड्रामेटिक होता तो ज़्यादा अच्छा था। ड्रामा है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा और उसके अंदर और डेप्थ होती तो थोड़ा सा और मज़ेदार होता, इतनी डेप्थ मुझे नहीं लगी। मेरा फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इट सेट्स द प्लिंथ फॉर अपकमिंग सीजन्स, उसी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर एज एन ओवरऑल ये जो मैंने देखा सीरीज द व्हील ऑफ टाइम, मैं इसको ए दूंगा, काफ़ी मज़ेदार है। बीच में सेकेंड और थर्ड जब मैंने एपिसोड देखा था तो मुझे लगा था शायद कुछ थर्ड एपिसोड में कि शायद ये प्लॉट लूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद दे बाउंस्ड बैक, और फिफ्थ एपिसोड आते आते तो दे वर कम्प्लीटली बैक, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, सबकी कहानियाँ समझ में आने लग गई थी, प्लॉट अच्छे से हो रहा था। और अब आगे बहुत सी कहानियाँ आनी है, नॉवल्स भी लगभग आई थिंक 12-13 नॉवल हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके भी बहुत सारे सीजन बन सकते हैं। रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है, बट कोई न्यूज़ अभी जो आ रही है वो यही आ रही है कि सेकेंड और थर्ड सीजन शायद रिन्यू हो गया, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ मूवी शूवी उन्होंने कमेंट करके मुझे लिखा था कि शायद सेकेंड और थर्ड सीजन इसका रिन्यू भी हो गया है। मुझे पता नहीं है कि रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है दोस्त, ऑनेस्टली मुझे चेक करना होगा, आप भी थोड़ा गूगल शूगल कर लेना, आई विल ऑल्सो चेक एंड मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट अगर रिन्यू हो गया है
तो फिर अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि स्टोरी आगे जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज, नरेशन वाइज अब जिस तरीके से शेप अप हो रहा है ये अच्छा ही है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।